हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर क्लास 8 का एक्सरसाइज 13.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 13.2 भी कंप्लीट कर लिया और 13.1 भी कंप्लीट कर ली है और इसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पिछले वाले सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन क्लास 8 की नाम से ये प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन्स। अब डिवीजन्स है, नॉर्मल हमने डिवीजन्स तो की है, डिवाइड किए थे ना हम 4 / 2 या हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हमें वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, एक्स हो गया, यहाँ एक्स है, कहीं हमें वाई दिए हुए हैं, तो इनको भी साथ लेके हमने चलना है और अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 28x^4 / 56x। तो डिवाइड का मतलब होता है कि ये जो आगे वाली ये पूरी टर्म है ये नीचे आएगा, अपॉन में आ जाएगा, है ना। जैसे मैं सॉल्यूशन में लिखती हूँ 28 है ना, हमने क्या करना है 28 को फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, रफ में करना है ये सारी चीज़, 28 लिख लेनी है यहाँ साइड पे और इसको कर लेना है। ये तो करने आता है, 2 × 14 का 28 होता है, 2 × 7 का 14 होता है, देन 7 के किसके टर्म में आता है, 7 × 1 का। हमने सिर्फ छोटा सा छोटा नंबर लेना है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। यहाँ हमने अब 7 भी ले सकते थे, 7 × 4 का, हमने पहले छोटे से शुरू करना है एंड देन फिर हमने एंड तक जाना है। 2 × 14 का 2 × 7 का 14 होता है, 7 × 1 का 7 होता है, ठीक है। हमारे क्या है, 2 × 2 × 7, वो इस 28 की जगह ये 3 हमने लिख देने हैं, 2 × 2 × 7। आगे कितने हैं, x^4, यानी कि x 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिख देते हैं x को 4 बार, 3 और ये 4 बार लिख दिया, अपॉन डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर दिया 56x। अब 56 पूरा ऐसे नहीं लिख देना, 56 × x, हमने 56 को भी फैक्टराइज करना है, तो 56 को कर देते हैं, ये सारा रफ चलेगा, मैं इधर लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ, ये रफ वाला है, ठीक है। 56 को करेंगे, 56 2 से शुरू होना है, ये 2 से क्रिकेट टेबल में आता है, 2 × 2 = 4, 4 इधर 1 बचेगा, 2 × 8 = 16। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप नॉर्मली भी साइड पे जिस भी तरीके से आपको आता है उस तरीके से कर सकते हैं। ये कितने को होता है, 2 × 14 = 28, देन 2 × 7 = 14, देन 7 × 1 = 7। क्या आया हमारा, 2 × 2 × 2 × 7, तो इधर लिख देना है इस 56 की जगह 2 × 2 × 2 × 7, और हमारा एक ही एक्स है तो एक ही एक्स रहने देना है। अब जो भी कट होते हैं उनको कट कर लेना है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2, इस 7 से ये 7, इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल हो जाएगा, बचा जो जो भी है वो हमने लिख देना है। क्या क्या बचा हमारा, ऊपर बचे हमारे 3x, यानी x^3, तो x^3, और नीचे क्या बचा, एक 2 बचा है ना, तो ये 2 लिख देना है, ये हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 1/2 x^3, ठीक है। तो बस सिंपल, बहुत सिंपल है ये सबसे, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लगे ये वाले, क्योंकि सिंपल हमने फैक्टराइज करना है, लिखना है, देन काटाफिटी करनी है एंड हमारा आंसर आ जाना है। अगर ये भी नहीं आया तो आगे हम पार्ट सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, बार बार रिपीट होता है ना जब समझने में तो और ज़्यादा आसान लगता है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, -36y³ और क्या है साथ में, ÷ 9y² ये है। अब इसको कैसे करेंगे हम, सेम वैसे ही करेंगे, 36 है, माइनस को बाद में देखते हैं, पहले 36 देखते हैं, 36 को फैक्टराइज करना है, तो कर लेते हैं। 2 कितने का होता है, 2 × 18 का होता है 36, 2 × 9 का होता है 18, देन 9 किसके टेबल में आता है, 3 के, 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 का होता है 9, देन 3 1 का होता है 3। क्या आया हमारा, 2 × 2 × 3 × 3, तो वही लिख लें, 2 × 2 × 3 × 3, बाकी 3y है तो वो भी लिख लेने हैं, लिख दिए, अपॉन डिवाइड है ना तो अपॉन, और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस भी लगा देना है, माइनस को भूलना नहीं है। अब 9 है, 9 को तो हमें पता है 3 × 3 होता है, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और एक्स वाई कितने हैं हमारे, 2y है। अब कर लेते हैं काटाफिटी, ये 2 तो है नहीं कहीं नीचे, तो 2 को किससे काटेंगे हम, 3 है, 3 इस 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से, ये वाई ये वाई ये वाई ये वाई, बचा क्या हमारा, नीचे लिख देती हूँ, बचा हमारा क्या, ये 2 × 2 = 4, और साथ में माइनस है तो माइनस भी लेंगे, और एक वाई बचा है तो वो भी ले लेंगे,
अपॉन नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस फोर बाई इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल था ये भी। अगला देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 66 पी क्यू स्क्वायर और आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, वैसे ही सेम करना है। इधर क्या है हमारा 66 है, तो 66 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 233 को होता है, देन ये 3 के टेबल में आता है, 3 11 का 33, और 11 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में ही आता है ना, तो 11 1 का 11 क्या आया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 11 आया। देन p हमारा एक ही है तो एक, बीच में मल्टीप्लाई लगाते जाना है। ठीक है, q हमारे दो हैं, q स्क्वायर है ना, तो दो q लगा दिया। r जो है वो तीन है, तो r इंटू r इंटू r अपॉन, अब 11 है, 11 को क्या फैक्टराइज करेंगे, 11 का कुछ नहीं है तो 11 ही रहेगा, इंटू q इंटू r इंटू r। r दो क्यों लिए, क्योंकि r का स्क्वायर है, और q एक क्यों लिया, क्योंकि q के ऊपर कुछ नहीं है, q एक ही है। अब करो ये काटा, इसको कट, 11 जो है 11 से कट हो जाएगा, पी नहीं है नीचे, पी रहेगा, सॉरी पी नहीं है नीचे, तो पी नहीं कट होगा, क्यू क्यू से कट होगा, आर दो है और नीचे भी दो है। अब बचा क्या क्या, एक ये बचा, ये 2 और 3 यानी कि 2 3 का 6, तो 6 बचा, और क्या क्या बचा, एक ये पी बचा, बाकी और पी है नहीं, और एक ये क्यू बचा, और नीचे कुछ बचा नहीं, बचा क्यू नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक आर भी बचा हुआ है ना, तो ये तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6PQR इसका आंसर आ जाएगा। आगे चले, आगे हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये है, अब इसको भी वैसे ही करेंगे हम, 34 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 34 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 34 को 2 के टेबल में कितने का आता है, 2 17 का हमारा 34 होता है, देन 17 अब किसके टेबल में आता है, किसी भी 2 से शुरू हुई है, 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट 17 के टेबल में आता है, 17 1 का 17 है ना, तो हमारा क्या आया इसका, 2 इंटू 17। एक्स कितने हैं, 3, तो लिख दीजिए 3 सॉरी एक्स है ना, हाँ एक्स है, एक्स 3 लिख दीजिए। वाई कितने हैं, 3, तो 3 वाई लिख दीजिए। जेड भी हमारे 3 है, तो 3 जेड लिख दीजिए। काउंटिंग में ध्यान रखना है, अगर एक भी जेड आपने एक्स्ट्रा या कम लगा दिया या एक्स वाई जेड, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब 51 देख लेते हैं, 51 ये आ जाता है हमारा 3 के टेबल में, 317 का 51 आ जाएगा, देन 17 1 का 17 आ जाएगा, तो 3 और 17 आया, 3 इंटू 17। और क्या है साथ में, एक्स है 1, वाई कितने हैं, 2 है, तो 2 वाई लिख देंगे, और जेड कितने हैं हमारे, 3, तो 3 जेड लिख देंगे। अब कर लेते हैं कट, 2 नीचे है नहीं है और 3 ऊपर नहीं है, मतलब 17 और 17 कट हो जाएगा, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये वाई और भी वाई कट हो जाएगा। जेड कितने हैं, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये तीनों ही कट हो जाएंगे। बचा हमारा क्या, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा हमारा 3, और वेरिएबल्स में क्या बचा हमारा, ऊपर बचे 2x, एक ही एक्स, एक ही एस और x, और कुछ बचा है नहीं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या बचा है हमारा, नीचे बचा है, नीचे कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, तो एक ये x स्क्वायर और एक y भी बचा है, तो y भी लिख देंगे। क्या आया हमारा, 2 अपॉन 3 एक्स स्क्योर वाई। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब एंड पार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, लिख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है 12 a की पावर 8 और b की भी 8 देन डिवाइडेड बाय माइनस 6 a की पावर 6 और b की पावर 4। अब देखिए इसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर आ गई, तो आप पूरा 8 a 8 बार टाइम्स लिखेंगे, b 8 टाइम्स लिखेंगे, क्या करेंगे। पहले रफ में मैं 12 को कर लेती हूँ फैक्टराइज, 2 6 का 12, 2 3 का 6, 3 1 का 3, तो हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब a को कितनी बार लिखोगे आप, पहले तो आप देखिए यहाँ a की पावर 6 है, तो अगर हम इसको भी तोड़ के लिखें, तो a की पावर 6 अगर कर दें इधर, और a की पावर पीछे कितना बचा इस 8 को कंप्लीट होने के लिए, 2 a और बचे, क्योंकि 6 में अगर आप
दो और ऐड कर देंगे तो कितना होता है, 8 के बराबर होता है। तो ए सिक्स तो हमने लिख दिया, ए की पावर 2 लिख देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि इस ए सिक्स से इस ए सिक्स को हम नीचे डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। आगे हमारा बी है, अब यहाँ देखिए बी फोर है तो बी फोर पहले लिख लेते हैं, देन पीछे कितने बचे और भी, 4 बी और बच गए तो वो लिख देते हैं। या अगर आपने पूरा भी लिखना है ना कि ए की ए को पूरा 8 बार लिखना है, बी को 8, तो वैसे भी लिखोगे कोई इशू नहीं है, बट ये शॉर्टकट में क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती ना तो इतना बड़ा बड़ा कहाँ लिखेंगे हम। अगर आप क्योंकि हमारी जो पेपर में आंसर शीट होती है वो बड़ी भी होती है, तो अगर आपकी बड़ी हो तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ए को 8 बार लिखना, बी को भी 8 टाइम्स लिखना, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए जो भी इधर हो वही आपने इधर लिखना है, जो बचता हो इसमें, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया। अब डिवाइड है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब 6 को फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे, 2 3 का 3 1 का 3, 2 और 3 तो 2 × 3, और ए की पावर 6 और बी की पावर 4। अब ये कट हो जाएगा ना, देखिए आसानी से, ये सिक्स वाला कट हो जाएगा और ये बी फोर और ये बी फोर कट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर भी इसको इसी तरीके से काटा कि ये नीचे आसानी से कट हो जाए। ये 2 और 3, ये 2 और 3 कट हो गए। पीछे बचा हमारा, ऊपर बचा 2a² b4 और नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा अलावा इस माइनस के, तो ये माइनस जो है ये ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2a² b की पावर 4। तो ये हमारा था आज की क्लास की ये वाला क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम धीरे धीरे अगले भी क्वेश्चन करते जाएंगे धीरे धीरे, तो बाकी अगर आपने और भी क्वेश्चन देखने हो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।